वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बचपन से ही उनके जिद्दी स्वभाव की वजह से जाना जाता था। आलम ये था कि घर वाले अगर उनकी टॉफी जैसी छोटी मांग भी पूरी नहीं करते थे, तब छोटे टीपू गुस्से में पेड़ पर चढ़ जाया करते थे और तब तक नीचे नहीं उतरते थे जब तक उन्हें टॉफी न मिल जाए। ऐसे में जब एक बार अखिलेश की हेलीकॉप्टर पर बैठने की मांग नेताजी ने अनसुनी कर दी, तब उन्होंने क्या किया, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो आइए वो सियासी किस्सा भी सुन ही लेते हैं। बात 1990 की है। अखिलेश यादव इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर फ्री हुए थे। तब मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम हुआ करते थे। इसी दौरान नेताजी एक बार हेलीकॉप्टर से इटावा पहुंचे। पूरा इटावा उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा था। मुलायम जैसे ही नीचे उतरे, अखिलेश ने उनसे हेलीकॉप्टर में बैठने की जिद की, लेकिन उन्हें सबके सामने मुलायम सिंह यादव ने डांट दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए नहीं है। मगर टीपू को हेलीकॉप्टर पर बैठना था तो बैठना था, और इस काम में पिता मुलायम ने भी पूरी मदद की, मगर जरा दूसरे तरीके से। एक मीडिया इंटरव्यू में उस घटना को याद करते हुए अखिलेश यादव ने बताया था कि उस समय तो नेताजी ने मुझे हेलीकॉप्टर पर चढ़ने नहीं दिया, लेकिन मेरी ऐसी परवरिश की कि मैं खुद ही एक दिन उस पर चढ़ने के काबिल बन जाऊं। और आज देखिए, मेरी बचपन की वो इच्छा मैं कई बार पूरी कर चुका हूं। अखिलेश अपने छात्र जीवन में जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते थे। अखिलेश के पास कॉलेज के पहले 2 साल में यामाहा बाइक थी। बाद में उनके पास DBB11 रजिस्ट्रेशन नंबर वाली सॉफ्ट टॉप जिप्सी आ गई थी। इसी जिप्सी से वो हर वीकेंड पर मैसूर से 100 किलोमीटर दूर अपने दोस्तों के साथ तमिलनाडु या ऊटी जाया करते थे। कभी कभी चामुंडी पहाड़ी पर बने चामुंडेश्वरी मंदिर जाया करते थे। मैसूर का खाना भी अखिलेश को पसंद था। उन्हें वहां का इंदिरा स्वीट और स्पाइस पसंदीदा रेस्टोरेंट में शामिल था। अपने शौक को पूरा करने के चक्कर में ही अखिलेश की नाक भी टूटी थी। क्या था वो पूरा किस्सा, आइए वो भी जान लेते हैं। बात उन दिनों की है जब मुलायम सिंह यादव केंद्र की राजनीति किया करते थे। एक रोज उन्होंने राष्ट्रपति भवन के डॉक्टर कक्कड़ से अपॉइंटमेंट लिया और अपने बेटे अखिलेश के साथ उनके पास जा पहुंचे। नेताजी की चिंता का विषय थी बेटे टीपू की टेढ़ी नाक, जो चोट लगने की वजह से ऐसी हो गई थी। अखिलेश की बायोग्राफी विंड ऑफ चेंज की लेखिका सुनीता एरॉन से बातचीत के दौरान उस वाक्य को याद करते हुए अखिलेश ने कहा कि जब कक्कड़ साहब ने मेरी पूरी नाक देखी तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने कहा हाँ हो गई है। इस पर उन्होंने कहा कि अब नाक ठीक कराने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने नाक ठीक नहीं कराई और मैं मुख्यमंत्री भी बन गया। दरअसल अखिलेश की नाक जन्म से टेढ़ी नहीं थी, बल्कि खेल के दौरान टूटने के बाद ऐसी हुई। टीपू को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था और वह सुबह सुबह अपने भाई के साथ खेल के मैदान पर चले जाते थे। न चाहते हुए भी भाई को साथ जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन सुबह खेल के दौरान लगी चोट से अखिलेश की नाक टूट गई थी।
वैसे खेल के मैदान पर टीपू को हार बर्दाश्त नहीं थी। जीतने के लिए वो चीटिंग करने से भी बाज नहीं आते थे। अखिलेश के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आमतौर पर लोगों को कम ही मालूम है। ऐसे ही एक राज का खुलासा सुनीता एरोन ने अखिलेश की पत्नी डिंपल के हवाले से किया है। अखिलेश जब तक आर्थिक रूप से अपने पिता मुलायम सिंह यादव पर निर्भर थे, तब तक उन्होंने कभी अपने जेब में पर्स नहीं रखा था। और ऐसे ही तमाम सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।